बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस सभा में उपस्थित विद्वतगण एवं सभी सुंदर साथ जी को मेरा पठानकोट प्रणाम जी। आज मैं आपके समक्ष जागने के विषय में कहने जा रहा हूँ कि अभी हम इस समय पंडाल में बैठे हुए और पंखे द्वारा हवा ले रहे हैं, और हम जो मैं माइक बोल रहा हूँ उसके द्वारा आप सुन पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप जागृत हैं? हम कहते तो अवश्य है कि मैं जागृत हूँ, परंतु और आपकी बात भी बिल्कुल सत्य है, परंतु पूर्ण सत्य नहीं है। महामती जी कहती है, अब जाग देखो सुख जागनी है, सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथे घर की इन चारों को यहाँ में पाऊँ। अर्थात महामती जी ने प्रथम चरण में ही कह दिया है कि प्रथम चरण में ही जागने के लिए कह दिया है, और हम इस मावे संसार में खोए हुए। यदि हम पूर्ण रूप से जागृत होते तो महामती जी हमें जागृत होने के लिए नहीं कहती। इसका मतलब यह है कि हम इस माया संसार में कहीं ना कहीं सोए हुए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे जागे और कितने प्रकार की जागृति होती है। तो प्रथम जागृति है शारीरिक जागृति। शारीरिक जागृति के कारण हम हमारे शरीर को थकान महसूस होती है और इसके कारण हम सोते। सात्विक और राजसिक गुण से हम कार्य करते हैं, जो हमारे शरीर की जागृति से होता है। एक श्लोक के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात यह शरीर वह साधन है जिसके द्वारा हम धार्मिक सत्संग कार्य कर सकते हैं। यदि हम धार्मिक सत्संग कार्य नहीं कर सकते तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। महामती जी कहती है, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आका खोल, ते तेरे कान सुने हक बका के बोल, कौन जिमी में तो खड़ी कहाँ है तेरा वतन, कौन खसम तेरी रूह का कौन असल तेरा तन। शारीरिक जागृति मैंने आपको बताया, अब मानसिक जागृति। मानसिक जागृति वह है, मनुष्य अपने जीवन में धार्मिक सत्संग कार्य करता है जिससे उसको वह ज्ञात हो जाता है कि वह इस शरीर से अलग है और अमर है, परमात्मा का अंग है। और जब उसको तारतम्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह उनको जागृत बुद्धि आने लगती है उनके अंदर, हमारे अंदर। और फिर जागृत बुद्धि आ जाती है तो हमें अपनी स्वयं की पहचान हो जाती है। जो स्वयं की पहचान हो जाती है उसी को मानसिक जागृति कहा गया है। अब अंतिम है आत्म जागृति। धामधनी जी के रे हो राम, इस संसार में माया में रिश्ते नाते सगे संबंधी में डूबे हुए। महामती जी अपने आत्मा को प्रश्न करती है, तू कहाँ है और तुझे कहाँ होना चाहिए, और तेरा सच्चा घर तो यह है ही नहीं, फिर तू परम धाम को क्यों नहीं याद करती, रंगमहल को क्यों नहीं याद करती, और रंगमहल को याद करके अपनी आंखों को खोल। और हमारी आत्म जागृति तभी संभव है जब तक हम ध्यान नहीं करते। यदि मनुष्य अपने जीवन में ध्यान नहीं करता तो विद्वानों के बीच में प्रमुख तो होगा, परंतु योगियों के बीच में कुछ नहीं होगा, और जो भी उसको ज्ञान प्राप्त हुआ धरा का धराई रह जाएगा। महामती जी कहती है कि अब नींद तू जीन कर, ए नींद देवे दुहाग, उठ तू जाग जोर कर, दौड़ ले पीयूष होगा। यदि आप इसी संसार में अभी भी सोते रहे तो आपको इस मावे संसार का दुख सहन करना पड़ेगा। और महामती जी दूसरी चौपाई में कह रही है कि महामत कहे मलपतियाँ आओ निज वतन, विलास करो विध विध के जागो अपने तन। अर्थात महामती जी कहती है कि हे प्यारे सुंदर साध जी, आप मुस्कुराते हुए परम धाम के अपने मूल तनों के द्वारा, ध्यान के द्वारा परम धाम में पहुँचिए, और परम धाम में जाकर अनेक प्रकार के सुख लीजिए। हम कैसे जागें? और इसी के जागो अपने तन मूल भाव, जागो अपने तन का मूल भाव यह है कि हमें यहाँ पर अपने मूल तनों में जागृत होने की बात नहीं कही गई है। और यह ब्रह्मवाणी तर्तववाणी पांचवें दिन की लीला में अवतरित हुई, और छठे दिन की लीला में क्रमशः ब्रह्म सृष्टि को जगाएंगे। यदि एक एक ब्रह्म सृष्टि
ध्यान के द्वारा या अपने शरीर को योग के द्वारा यदि अपने मूल तनों में जाती है तो पोड़े भेले जाक्षी भेले का कथन झूठ हो जाएगा, जो कभी संभव नहीं है। तो हमारी आत्मा तभी जागृत हो पाएगी जब हम ध्यान करेंगे, अध्ययन करेंगे। हमें अपनी आत्मा का वही स्वरूप समझना चाहिए जो परात्म का है, क्योंकि आत्मा परात्मा का प्रतिबिंब है। आत्मा का स्वरूप, आत्मा का श्रृंगार वही है जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि करती है। अब महामती जी कहती है कि जब यदि हमारी आत्मजागृति हो गई तो हमें अपनी पहचान हो जाएगी, स्वयं की पहचान हो जाएगी और हमें परम धाम के विषय में हमें ज्ञात हो जाएगा। यदि हमारी आत्मदृष्टि खुल गई तो हम परम धाम तथा रंग महल के विषय में जान जाएंगे और ब्रज रास एवं जागनी तथा जो जागनी ब्रह्मांड सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा जो लीला हुई वह और जो चौथे घर की लीला का भी ज्ञात हो जाएगा। इसीलिए हमें ध्यान चित्वनी में एवं अध्ययन चिंतन करना चाहिए। यदि हम ध्यान चिंतन नहीं करते तो हमें मोक्ष की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। इसी के साथ मैं अपने दो वचन को विराम देता हूँ। प्रणाम जी।